वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज दे साडे दो विषय, पहला विषय कि गुरमत विच किरत दा संकल्प, और टी टाइम तो बाद साडा विषय है हरमंदर ए शरीर है। कल दे साडे दो विषय ने, एक विषय के कर्म कांड ते वहमां भरमां ते, और दूसरा विषय काम क्रोध काया को गाले। मेरी बेनती है कि टेलीफोन सारे साइलेंट कर लो प्लीज़। एक अंग्रेजी दी कहावत है, वर्क इज़ वॉरशिप। पर जदों असी अपने आस पास परिक्रमा करिए तो उन लगता है कि वॉरशिप इज़ वर्क। इस तरह दे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते ने कि जे पाज पाठ पूजा वल गए तो फिर वो अपने काम धंधे भी छड़ के, एक नहीं बहुत बहुत ज़्यादा साढ़े सामने केस आए ने, काम धंधे छड़ के तो बस इस पासे ही लग गए। मैं अपनी गल शुरुआत करन तो पहले मैं दस दिया कि पिछले साल सानू एक बॉम्बे तो फोन आया सी, बड़े वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट सी और उन्हां दा इक्को एक बेटा सी, और वो अखंड कीर्तनी जत्थे दे समागम ते इत्थे दिल्ली दशहरे दे मौके ते जिहड़ा 6-7 दिन दा एक समागम हुंदा इत्थे आया सी। वो कहन लगा जी कि मेरा बेटा इस तरह उत्थे गया ते जी वो थोड़ा जा तुसी आए हो ते गुरमत कॉलेज बुला के तुसी उसनू कोई थोड़ा जा प्लीज़ काउंसलिंग करो कि वो हुण काम ही नहीं करदा, बस इक्को काम है, बस पाठ पूजा, होर कोई काम ही नहीं है। इस तरह फरीदाबाद दो तीन केस ने, बच्चों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, दो भैन भरावां ने और दोनों ने घर बैठ के इस काम। तो गुरु नानक दी जिहड़ी मैं वार वार शायद पिछले लैक्चर पिछले तो पिछले लैक्चर च भी गल कही सी कि जिहड़ा सुनहरी एक सानू एक नियम दिता गुरु नानक साहब ने, नाम जपन तो पहला ही किरत की गल कर दी, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। एक ऐसा मैनीफेस्टो ऑफ सिखिज़म मैं लगता, या मैं कह इनू कह देव छोटा ना करा तो इसनों कह देव कि मैनीफेस्टो ऑफ मैनकाइंड या मैनीफेस्टो ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा एक उन्होंने सानू यह संकल्प दिता, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। मैं नहीं समझता कि दुनिया के विच किसी पैगंबर ने रब के नाँ तो पहले किरत की गल की हो। किरतों भाव मेहनत है, अपने जीवन दियां लोड़ां पूरियां करन लई असी किरत करके पैसा कमाते हैं। और पुराने शास्त्रां नू वेदां नू अगर असी थोड़ा बहुत देखिए तो मनुखी जिंदगी दे विच उन्होंने चार पड़ा मन्ने ने, धर्म, अर्थ, काम अते मोक्ष। और इत्थे जिहड़ियां पदार्थां लोड़ां लई जरूर धन की जरूरत हुंदी है, तो पदार्थक जीवन जिहड़ा दुनियावी अते अध्यात्मक आनंद का आधार है कि बिना खाली जे खाली पेट कहिंदे ना एक रब का नाम ही लैना मुश्किल हो जाता है। तो ये गल्लां जिहड़ियां पुरातन देखिए तो इन्हां विच जिहड़ी अर्थ की गल है या जिहड़ी धर्म ते काम मोक्ष तां चलो अलग हो गया, इहदे विच जिहड़ियां दो गल्लां जिहड़ियां ने उह किरत नाल जिहड़ियां असीं जोड़ सकदे हां। और सिख फिलासफी ये मंदी है कि मनुखी जीवन दे विच जिहड़ी खुशहाली लियाउण लई सानू उसकी आर्थिक हालत जिहड़ी है लोकां दी ठीक होनी चाहिए है, उस लई जिहड़ी किरत करना है, किरत करो फॉर द बैटरमेंट ऑफ योर फैमिली, किरत करो फॉर द बैटरमेंट ऑफ सोसाइटी, किरत करो फॉर द बैटरमेंट ऑफ कंट्री, फॉर इकोनॉमिक। और फिर अगली गल की कर दिती, वंड छको, जिहड़ी मैं स्पेस फॉर ऑल दी असी गल करदे हां कि हर एक लई जो है फिर उहदे च कोई भेदभाव भी नहीं है, वंड के छकना है, सिर्फ लंगर ही नहीं वंड के छकना है, प्यार वंड के छकनी है, नॉलेज। तो ये जिहड़ा कंसैप्ट है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंसैप्ट है साडी सोसाइटी लई। अज साडे कोल डॉक्टर इंदरजीत सिंह जी अमृतसर तो आए हुए ने, खालसा कॉलेज दे विच पढ़ाउंदे ने, एम ए पंजाबी ने, एम ए रिलीजियस स्टडी भी की हुई है इन्होंने, इन्होंने पी एच डी की है ज्ञानी दित सिंह दे दी जीवन रचना ते।
बहुत इन्होंने किताबां भी लिखिया ने, गुरबाणी के बड़े ज्ञाता ने। तो मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी को बेनती करांगा कि जरा गुरमत विच या सिक्खी विच किरत का जरा कंसैप्ट है उस बारे अपनी गल कर। परम सत्कारयोग इतों के प्रबंधक जन, चेयरमैन साहब तो समूह हाजिर, भैनों ते भरावो, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो इस गल की प्रसन्नता है कि तुसी बड़े वड्डे आकार दे विच इत्थे जुड़े हुए हो, जदों कि इस तरह का माहौल अमृतसर के कुछ सिंघां ने भी बनाने की कोशिश की पर नहीं बनया, क्योंकि उन्होंने इत्थों ही आइडिया लिया सी कि अमृतसर विच भी कोई जोड़ मेला करिया करिए सैटरडे संडे नूं। ते उन्होंने साल क तकरीबन संघर्ष भी किया पर नहीं रिस्पोंस नहीं मिले, हालांकि 15-16 लाख की आबादी अमृतसर की हैगी है, पर फिर भी नहीं गल बनी। आखिर उन्होंने इनू मतलब कुछ उन्होंने भी मैं गलतियां कह लेना हूं कि जो ज़्यादा नैगेटिव अप्रोच हो कई बार समाज रिस्पोंस घट जाता। सिख है चढ़ती कला वाला आशावादी, तो आशावादी और चढ़ती कला वाला ढहिंदी कला दियाँ तो नामवाची गल्लां नहीं करता, वो हमेशा विकास दियाँ गल्लां करता, पसार दियाँ गल्लां करता। खैर मैं अपने विषय पर आवां, समा भी सीमित है। किरत दा संकल्प जिस तरह चेयरमैन साहब होर ने भी कहा कि यह जिहड़ा वर्क इज वर्शिप, गुरु साहिबां ने ये जो सिद्धांत दिता कि यह जिहड़ा साडा भारतीय सभ्याचार सी, इहदे विच इक ते धर्मी लोग वेल पुणे दे विच चले गए, जिहड़ा धर्म स्थापित किया गया उहदे विच इक स्पैशल पुजारी श्रेणी स्थापित कर दित्ती और वो लोगों की किरत की मिथाज हो के रह गई। दूजा इत्थे योग मत का जोर सी, ते योग मत गृहस्थ त्याग के पहाड़ां ते जाके बैठ गया, जिहनूं गुरु साहब कहिंदे होए अतीत गृहस्थ ताज फिर उन्हीं के कर मंगण जाई, उहनां नूं संबोधन किया कि तुसीं अतीत ते हो गए हो, सियाणे भी सौ, पर जिहड़े घरां नूं तुसीं छड्ड के आए उत्थों रोटी मंगण वास्ते जांदे हो, ये भी तुहाडा कोई धर्म ना रह गया। तो किसी धरती के लोगों की अर्थव्यवस्था के नज़रिए तो या उन्होंने रहन सहन के नज़रिए तो जेकर मंगत्या की ही भरमार हो जाए तो दानी पिछे केड़ा बचू। तो सिखी का जेड़ा मूल फलासफर ने लिखा कि जे कहना हो सिख की संखेप शब्दों से परिभाषा कर दो तो सिख उसनू कहा जाता जेड़ा किरत करता नाम जपदा तो वंड के सकता, बाकी सारी व्याख्या बाद शुरू होगी। सब तो पहला उसकी किरत है, पर हुण जे किरत वल लोगों नू प्रेरित करना भी सौखा नहीं, क्योंकि पंजाबी दा खाण है रोटी खाओ शक्कर नाल, दुनिया लुट्टो मकर नाल, मकर कहिंदे फरेब नू पखंड नू, ते जिहड़ा बंदा पखंड करके चुप कीता बैठा ही खीरकड़ा खाई जांदा ते उहनू की लोड़ खेतां च कई वाहुण दी जां मजदूरी करन दी। हुण इहदे नाल लोकां दी मानसिकता बदलनी पैणी सी वी लोकां दी मनां विच किवें विश्वास पैदा होवे कि किरत करनी चंगी गल है, जां किरत करना धर्म भी हैगा, जां किरत करन दा फायदा की है। गुरु साहिबां ने फिर जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा सरूप दिता है, जिहड़ा आपां मूल मंत्र तो शुरू करदे हां कि तुहाडा परमात्मा जिहड़ा तुहाडा अल्लाह तुहाडा वाहिगुरु तुहाडा गॉड वो करता हैगा। करता मीन तो कार्यशील है, करता पुरख है, ते तुसी जे उहदा नाम फिर करतार, क्योंकि साड़ी पहली बोली सत करतार सी जिहड़ी असी जन्म साखियां विच ना, अज साड़ी संबोधनक शैली फतेह है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, पर ये गुरु नानक पातशाह दे काल विच सत करतार सी। एक तां करता याद आएगा, एक करते दी जदों व्याख्या होएगी पता लगेगा भी साडा जिहड़ा परमात्मा है साडा वाहिगुरू है वह वेला नहीं है, वह कार्यशील है, और इसलिए सतगुरां ने नगर भी वसाया तो उहदा नाम भी करतारपुर रखिया। ये पिछे वेखो एक साड़ी संबोधन साड़ी शैली सत करतार, फिर नगर वसाया करतारपुर, फिर मूल मंत्र वे सोच शक्ति का जो कार्य दसिया भी वह करता पुरख है, वह शक्ति वह जिहड़ा सदा कार्यशील है, जिहदे जीवन में कोई ब्रेक नहीं कोई छुट्टी नहीं, जिहदे करते नूं असी रोज़ाना आसा दी वार विच गाउने भै विच पौण वह सदवाओ भै विच चले लख दरियाओ भै विच अगन कढ़े बेगार भै विच धरती, मतलब एक नियम है करते का,
उस निजम कित भी कताई नहीं होंगी, रुत्तां अपने अनुसार आई जांदियां, सूरज चढ़दा, चंद्रमा आउंदा, छिपदा, रात पैंदी आ। ते जिस करते नूं तुसीं मंनदे हो ते जे ओह 24 घंटे कार्यशील है ते ओहदी पूजा करन वाला निकम्मा वेलड़ ते आलसी नहीं हो सकदा। मतलब ये मानसिकता, क्योंकि आपां गुरु दे हैगे नादी पुत्र, एक तां हुंदा बिंदी पुत्र जो माता पिता की संतान है, असीं हैगे नादी पुत्र। ते नाद असीं कहिंदे आ धुन नूं सुन के, विचार नूं सुन के, उस आवाज़ नूं सुन के जिन्हां दे मन परिवर्तित होए। साडे वड्डियां वडेरियां ने गुरु पातशाह दी नाद तों असीं परिवर्तित होए हां, चाहे साडा पिछोकड़ किहड़े धर्म नाल सी, किहड़े वर्ग नाल सी, किहड़ी स्टेट नाल सी, किहड़ी मनता मनौत नाल सी, उह इक पिछे रह गया। पर साडे वड्डे वडेरियां ने सतगुरां दा दसां जामियां दे विच नाद सुन के, असीं नादी पुत्र हां, ते नादी पुत्रां ने उन्हां दी विचारधारा नूं, उन्हां दे फलसफे नूं, उन्हां दे सिधांतां नूं अडोप्ट कीता, फिर अपने जीवन विच ढालिया। ते फिर ये जिहड़ी किरत है असीं फिर उस करते कोलों सेध लई है। और सतगुरां ने सिर्फ आख्या नहीं, सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा अमल है सतगुरां ने खुद, क्योंकि मैं कहिंदा उन्हां अध्यापक दा पढ़ाउणा किरत है। हुण किरत विच भी कई रूप ने, दो कृत भी आ ते सौ कृत भी है। दो कृत कहिंदे भैड़ी किरत नूं, जिवें दुरमत, गुरमत, कपुत्तर, सपुत्तर, पुत्तर ते सारयां दे हुंदे ने, पर कोई कपुत्तर हो जांदा, कोई सपुत्तर हो जांदा। किरत ते सारयां दी, चोर भी किरत कर रहा, जेब कतरा भी जेबां कट रहा हैगा, चटकई बकरे चटका रहा हैगा, जमींदार खेतां च हल वाह रहा हैगा। पढ़ाउणा भी किरत है, पढ़ना भी किरत है, प्रबंध करना भी किरत है। मतलब किरत बहु अर्थी हैगी आ, पर सतगुरां ने नाल सौ कृत रखी है, चंगी कृत, जिहड़ी किसी धर्म विच, किसी सभ्याचार विच, किसी समाज विच जिस किरत दा सत्कार कीता हुंदा, जिहदा किरत दा सत्कार हुंदा, असल वह सौ कृत हैगी आ। क्योंकि कई बार बंदा जिहड़ा देसी घिओ च डालडा मला मला वेची जांदा, किरत ते वह भी करी जांदा। जिहड़ा भ्रिष्टाचारी है, जिहड़ा हेराफेरी वाला, वह भी कहिंदा मैं मेरी किरत ते हैगी ना उहदी, पर वह दो कृत हैगी आ, जिहड़ी समाज वास्ते, अर्थव्यवस्था वास्ते, लोगों की सेहत वास्ते बुरी हैगी है। तो सतगुरां ने वो जिहड़ी है फिर साडा प्रचलित आ उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध चाकरी। खेती नूं इसलिए उत्तम कहा कि खेती नाल सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, जिन्ने जीव जंतु ने, चाहे वह धरती दे हेठ रहिंदे ने, चाहे वह परां वाले ने, चाहे जिन्ने पशु पंछी ने, जिन्नी मनुखता हैगी है वह धरती दे उत्ते है। और उत्तम खेती इसलिए कहा है कि खेती दे नाल जे धरती ते दाने होणगे, जीव जंतु भी चुग लैणगे, और रुखां दी छावें भी बैठणगे, ते वह जिहड़ा खेती दा कारज है हर मनुख दे, हर जीव जंतु दे पेट नाल जुड़िया होया, उहदी पेट पूर्ति नाल जुड़िया होया। ते सतगुरां ने वह किरत करके खुद करतारपुर खेती की 13 साल दे करीब, जिस अवस्था विच सतगुरां ने, गुरु नानक पातशाह जी ने खेती की, उस अवस्था में सतगुरां का जिन्ना क उच्चा सत्कार बन चुका सी इस समाज दे विच, ते उन्हां दी बिना किरत कीत्यां भी करतारपुर विखे ना रोटी का काल सी ते ना दाणियां का काल सी। पर सतगुरां ने जिहड़ा शब्द रचिया गुरबाणी विच, चाहे वह कुरबानी दे प्रथाए है, चाहे बहादरी दे प्रथाए है, चाहे वीरस दे प्रथाए है, वह खुद अपने जीवन विच अमली रूप विच ज्यों के दस्या कि मेरा जिहड़ा सिख ये ना समझे भी सतगुरु ने बचन ते कीते भी किरत करो, ते आप ते सतगुरां ने शायद सारी उम्र किरत नहीं कीती, ये लोकां च भावना ना पैदा हो जावे, ते जां कोई विरोधी उठ के प्रचार ना शुरू कर देवे भी तुहाडे सतगुरां किहड़ी किरत करी, साडे सारे ही सतगुरां ने किरत कीती है। और वह किरत करन दी जाच दसी, फिर क्या भी नाम भी जपो। मैं इस संखेप गल करांगा हुण, जिहड़ा किरती है ते किरत सौ कृत तद करेगा जे वह किसी भय ते भाओ अधीन जिउंदा, जे वह परमात्मा नूं मंनदा है ते परमात्मा दे भय ते भाओ दे विच उहदा नाम भी लएगा। और कई वारी साडे विच ना थोड़ा शंका जिहा हो जांदा भी यार नाम जपणा ते शायद तोते रट है। मैं कहिंदा हुंदा भी हर शब्द पहलां तोते रट ही हुंदा, पर रट्टा हर एक नूं लाउणा पैंदा। आपां सारे पढ़े लिखे हाँ, आपां ए फार एप्पल, बी फार बुक, ऊड़ा ऊठ, हैड़ा अंब, का फार कलम, खा फार खरगोश, आपां सारिआं रट्टा ला के याद कीता। हाँ, तोते नूं इह नहीं पता भी चूरी बनदी किवें आ। गंगा राम चूरी खाणी आ कहिंदा खाणी आ, उहदे कोले भावें किलो चूरी पई होवे,
पेट भी भरिया हो फिर पुछो गंगा राम चूरी खानी कहता खानी है क्योंकि उन्होंने नहीं खानी किसी ने सिखाई नहीं उन्होंने रट्टा ही इन्ना क लाया भी चल 200 रुपये का तोता विक जाता इन इन्नी क गल सिखा दो भी खानी है इनू कहें रट्टा पर रट्टे तो अगर ज्ञान शुरू हों जे हुण तोते नूं पुछ ले भी खंड बनती किवें आ तोते बेचारे नूं की पता तां चूरी खाई जांदा जे पुछ ले भी आटा जिहड़ा है ये कणक दा हैगा कि छोलियां दा हैगा तो कणक हाड़ी दी हैगी है कि सौणी दी हैगी है तो हाड़ी कदों हुंदी सौणी कदों हुंदी 100 सवाल होर खड़ा हो जांदा मतलब वो जिहड़ा रट्टा रट्टे तो बाद ज्ञान शुरू हुंदा मैनूं एक वीर जी होरां ने मेरे कन्न 'च गल कही सी उस सैशन में हो सकता कुछ गुरमुख प्यारे नहीं होणगे इह वैसे मैं किरत दे नाल नाल गल कर चलिया सबजैक्ट तो माड़ी जी पासे भी होगी वो कहिंदे भी एक 50 बारे ते बाज बारे जरूर दस देना मैं संखेप विच गल कर देना कि 50 क्योंकि असीं सारे लाउने आ ते साडे कालजां यूनिवर्सिटियां च बच्चों के ना सवाल नहीं कदी मन च आया मेरे भी पढ़दे ही आ गया कोई पुराना अखबार लभा ते मैनूं पता लगा भी 50 नूं 50 क्यों कहिंदे ने अंग्रेज़ां दे राज विच 5 गज की 5 मीटर की पग सिख सिपाहियां नूं बनाई जांदी सी ते सिपाही दे सिर ते जिहड़ी पग तां ही जकड़ी रहिंदी आ जे मजबूत होवे ते 5 गज उदों सिउण नहीं सी पाई जांदी 5 पेज इधरों दिसदे सन 5 पेज इधरों पर मजबूती नहीं सी बनदी एक मता अंग्रेज़ां ने होर पाया कि 2.5 गज का एक होर टोटा दिता जाए हर सिपाही नूं उह अपने पहलां सिर ते बन्नेगा इत्थों वाल भी नहीं दिसणगे ते 5 गज की पग की मजबूती भी इहदे उपर बन जाएगी वह 5 गज की 2.5 गज बन गई 50% ते जदों अंग्रेज़ चैक करदे सन वो 50-50-50 करते सन हूँ साड़ी 50% तो है नहीं असी जां रीबन बनते हैं जां छोटी केसकी सजाने ये साड़ी 50 का इतिहास है मैं फिर कहना कि रट्टे तो बाद रट्टा तो मैं भी 7वीं जमात चो लाया मैं 7वीं-8वीं तो पग बनदा पर पता मैनू 48 साल की उम्र जाके लगा भी जी मैं 50 लाना इनू 50 क्यों कहते हैं मैं फिर कहना कि 50 नू रट्टा बचपन च लगा ये बारे ज्ञान 47-48 साल की उम्र च होया पढ़दे पढ़दे इनू असी संगत का फल कहने ए बाज नू बैगअप कहिंदे सन अंग्रेज़ बैगअप सी सड़ाई दित्ती कि सारे सिपाही जिहड़ी जाली बंधदे सन दाढ़ी वह कंपलसरी सी एक डिसिपलिन कायम करन वास्ते ते ओह जिहड़ी सड़ाई दित्ती गई उहदा नाम सी बैगअप BAG बैग UPUP साडे सिपाही थोड़े जे तक्कड़ ने पंजाबी वैसे भी आपदा शब्द कर लैंदे ने पंजाबीकरण कर लैंदे ने भावें उर्दू होवे फारसी होवे इह आपदी छाप छड़ दिंदे ने उन्हां ने बैगअप नूं पहलां बैग बैग कहिंदे रहे फिर बाज बाज कहण लग पए साडा बाज आ बेसिकली किसी भाषा विच बाज दा अर्थ सड़ाई नहीं हैगा खैर इहनूं मैं कहिंदा रट्टे तो अगे ज्ञान वंड छको जिहड़ा किरती किरत करदा ते नाम भी जपदा वंड के भी उह छक सकदा जिहड़ा भुखारी बैठा वह बेचारा वंड के की छकेगा वह तो पहले ही मंगता है पर सतगुरों ने नाल सचेत भी किया कि अकली साहब सेवीए अकली पाइए मान अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान मेरा सिख जे किसी नूं दान भी करदा एवें नहीं निकम्मे नखट्टू नूं करी जाए भी तुसीं उहनूं पैसे दे दिंदे हो जाके दारू पी लैंदा बहुत सारे शहरां च साडे अमृतसर च भुखारियों की यूनियन बनी उन्हें प्रधान भी बनाया सैकटरी भी बनाया वो आपके इलाके दूजे भुखारी नहीं वंड देते कुट सिटते हैं बाबे शहीदां दे बार बार उन्हें आपका दफ्तर भी बनाया होया 100 भुखारी की यूनियन आ वो बगाने भुखारी नहीं उत्थे आउण दिंदे मतलब वो सारे जुआ भी खेडते हैं उन्हां चों बहुत सारे लोग उस नशे भी करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रामे कर ले ने दिल्ली तो खास करके रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ड्रामेबाज मिल पैंदे ने कहण तो भाव यह है सतगुरों ने नाल सचेत भी किया कि दान करन लग्या भी लोड़वंद होवे अपाज होवे मथाज होवे उहदे ते कोई दुख आ गया कोई मुसीबत आ गई तो आपदी किरत विच्चों हिस्सा जरूर दिओ क्योंकि समाज हमेशा हथ नूं हथ धोंदा एक दूजे के सहारे नाल चलदा पर किरत दे संबंध दे विच खास करके भी किरत सतगुरों ने बहुत सारे अपना शब्द गुरबाणी चों घा लिखाए किस हथों दे नानक राह पछाणे से ये संबंध में भी इस तो पहला बाबे फरीद जी का श्लोक है फरीदा बार पराया बैसना साहीं मुझे ना दे जे तू एवें रखसी तो जियो शरीरों ले ऐ खुदा ऐ अल्लाह बगाने बार ते बैठना मैनू ना दई बगाने बार ते मंगत बिरती दे नाल मथाज हो के किसी बंदे दी जमीर नहीं कायम रह सकती अणख नहीं कायम रह सकती स्वै विश्वास नहीं कायम रह सकता कहिंदे जे तू एवें रखना कि मैनू बगाने हत्थां दी मथाजगी ते रखना फिर ये जान भी भावें शरीर विचों कढ लै पर बगानी आस ते जिउणा बहुता चंगा नहीं है
किरत अपने आप विच, क्योंकि जदों आम मनुख सवाल करता तो किरत अपने आप विच एक शक्ति है जिहड़ी बंदे विच स्वै विश्वास पैदा करती है, स्वै माण पैदा करती है, तो विशेष करके उहदी शरीर की तंदुरुस्ती वास्ते भी जरूरी है। क्योंकि अज का विज्ञान भी मानता है कि जिहड़ा अंग हरकत करता जिउंदा भी उही रहिंदा, शरीर विच्चों जिहड़े अंग ने हरकत करनी छड्ड दित्ती वह हौली हौली कमज़ोर हुंदा हुंदा बंदे दे शरीर नालों अपना कार्यशीलता छड्ड दिंदा। तंदुरुस्ती का राज किरत दे विच है। कोई किसी भी किस्म की किरत करता उहनू घट्टो घट्ट मानसिक तौर पर सुकून हुंदा कि मैं किरत कीती और मैं कितें दा मुहताज नहीं हैगा, और जिहदा करता किरत कार्यशील है वह सचमुच जे उस करते दीआं आदतां उहदे विच आ जांदीआं। एक उदासी साधु ने हरियाणे दे विच, वह मेरे बड़े मित्र ने, वह कहिंदे मेरे को एक बड़ा पहुंचा होया साधु मैनूं लगा, कहिंदा मैं जिंदगी विच पहला ही मैनूं इस तरह का एक शख्सियत मिली है जिहनूं मैं सवाल किया कि मैनूं लगा कि बंदा बहुत बंदगी वाला है। कहिंदा जदों बंदा बहुत उच्ची अवस्था ते चला जांदा है तो उहदा सुभाअ किस तरह का हो जाता तो प्राप्ति उहदी की हुंदी है। कहिंदा मैनूं मुस्कुरा के कहिंदा भी जिहड़ा बंदा उच्ची अवस्था वाला हो जाता ना उहदे विच मूल मंत्र वाले गुण आ जाते हैं। वो एक अकाल का पुजारी हुंदा, वो करता भी हुंदा, वो किरती भी हुंदा, वो निरभौ भी हुंदा, वो निरवैर भी हुंदा, मतलब उहदे विच जिहड़ियां उहदी भावना ते उहदी विचार की पद्धर इन्नी उच्ची हो जाती है जो सतगुरों ने मूल मंत्र चंकित की है। और यह जिहड़ा किरत का संकल्प एक बार नहीं आया, किरत का सिद्धांत सतगुरों ने वार वार गुरबाणी च अपने समाज नूं अपने सिख लई प्रेरक शक्ति दित्ती, और खास करके उन्हां लोकां नाल गोष्ठियां कीतियां, चाहे वह सिद्ध गोष्ट है, चाहे बटाले अचल बटाले का मेला है, चाहे वह होर संसारी लोग ने, उन्हां नूं कहा कि कोई इस धरती का जिहड़ा धर्म है जां उन्हां दा जथेबंदक रूप है वह किरत दे नाल ही स्थापित हो सकदा। और इसे लई जदों भाई लहणा जी सतगुरां नूं मिल जांदे तो वह डीला कढ़िया होया उहदी पंड भी भाई लहणे दे सिर ते टका दिंदे ने, जदों कि माता सुलक्खणी घर आया नूं कहिंदी है कि इस साडे मेहमान दे तां चिट्टे कपड़े पाए हुए सन ते इह जिहड़े चिक्कड़ नाल लिबड़ गए ने, ते सतगुरु कहिंदे ने कि इह घा दी पंड नहीं है, इह जिम्मेवारी दी इक उह पंड है कि जदों इन्हां ने एक कौम दी जां एक समाज दी रहनुमाई करनी आ ते इह छिट्टे नहीं है, इहनूं मत सोचो कि इह कोई मिट्टी दे छिट्टे पै गए ने, इह तां केसर है। इसलिए है कि जिस आगू दे विच इस तरह का सुभाअ होएगा वह कौम वो जथेबंदी कभी भी घाटे विच नहीं जाएगी, पिछाणू नहीं जाएगी। तीसरे पातशाह जी भी फेरी लाउंदे रहे ने उस तो पहला, क्योंकि उन्हां पिता जी जिहड़े उस इलाके दे विच हट्टी का कारोबार करते सन, और चौथे पातशाह जी बारे असी जानते हैं कि वह घुंगणियां वेचते रहे। घुंगणियां बारे शायद सानू सारिआं नूं पता है कि जिहड़े काले छोले है वो रात नूं भिउं दित्ते जांदे, सवेरे उठ के उबाल लै जांदे ते फिर उन्हां ते नमक पा के, उस पीरियड दे विच कोई हलवाई की हट नहीं सी हुंदी। तो ये जिहड़ी साडी देसी खुराक सी इस धरती की, क्योंकि इत्थे बरानी खेती सी और जिहड़ी बिना मीह तो थोड़े पानी नाल कोई फसल हो जाती है वो साडे छोलियां दे खेत ज़्यादा हुंदे सन, और इहनूं ताकतवर गिणिया जांदा सी। और ये जिहड़ी घुंगणियां वो कालियां छोलियां की जिहड़ी खुराक है ये साडे मार्केट विच वेचण दा जिहड़े लोड़वंद आ पैसे पैसे की दो पैसे की खरीद लैंदे सन। तो भाई जेठा जी ने बचपन तो ये जिहड़ी किरत की, फिर गोइंदवाल साहब विखे भी जदों तीसरे पातशाह जी ने वसाया और उत्थे भी ये घुंगणियां दा उन्हां दा ये किरत रही है, क्योंकि सच्ची किरत है। और कई बार असीं प्रचारक वर्ग कह जाने कि जदों तीसरे पातशाह जी ने जिहनूं उन्हां दी धर्म पत्नी ने कहा कि बीबी भानी वास्ते वर इस तरह का होवे, तो सतगुरु कहिंदे किस तरह का, तो वह कहिंदे जिस तरह का यह घुंगणियां वेचण वाला, तो सतगुरां ने अपनी बच्ची का रिश्ता कर दिता। दरअसल सतगुरां ने किरत का सत्कार किया कि जिस नौजवान के मन में यह जिहड़ी किरत सेवा भी कर रहा और किरती भी है, उन्हां दी कोई जमीन जायदाद नहीं वेखी, माता पिता उन्हां दे है नहीं सन, असीं उन्हां नूं यतीम शब्द वरत लैंदे आ वी गुरु रामदास जी बचपन च उन्हां दे माता पिता चलाणा कर गए, पर फिर भी तीसरे पातशाह जी अपनी बच्ची का रिश्ता जे भाई जेठा जी नाल करदे आ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਔਰਤ ਅਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕੇਵਲ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਖੀ ਸਹਿਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਹਣੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੀ ਉੱਚ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 161 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਨਖੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵਣਜ ਸੁਨੇਹੀ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਤੀਓਂ ਤੇਤੀ, ਵੀ ਸੁਨੇਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।